सायरा सुबह उठ के कल रात की बात याद करती है। क्या खौफनाक मंजर देखा था उसने, इसलिए वो नीचे जाके किसी से आंख नहीं मिला पाती। गुलगुन के लिए उसे बुरा लगता है। इधर फरहाद काम पे जल्दी जाके झाड़ू लगाने लगता है और उस्ताद को देखते ही उसका हाथ चूमता है। उस्ताद खुश होकर उसे चाबी दे देता है, यानी माफ़ कर दिया। इधर सोना और बाकी सब रेडी हो जाते हैं इस्तानबुल के लिए। सब जैसे आखिरी बार के लिए घर को देख लेते हैं। यहाँ रह के कोई ड्रामा नहीं होगा, इसलिए उन्हें वहाँ भेजा जा रहा है। सोना का तो गेटअप ही चेंज हो गया। इधर सायरा लतीफ़ के कमरे में इजाज़त लेने के बाद घुस जाती है और देखती है लतीफ़ ड्राइंग कर रहा है। अच्छी कर लेते हैं, सायरा तारीफ़ करती है तो लतीफ़ रूडली कहता है, हॉबी है मेरा। हाँ क्या कहना था आपको, मैं सुन रहा हूँ। सायरा कहती है, मुझे अपने घर वालों से मिलना है, आपसे इजाज़त लेने आई थी। लतीफ़ कहता है, आप इफ़ाक़ात से ले लीजिए इजाज़त। सायरा को शायद इफ़ाक़ात का मुंह नहीं देखना, पर लतीफ़ उसी से इजाज़त मांगने कहता है और फिर कहता है कि इस घर में अलग अलग कमरे, अलग अलग घर है। मैं सबके घरों में सिर्फ अपनी सर्विस देने जाता हूँ, आपसे भी यही उम्मीद रखता हूँ। सायरा माफ़ी मांग लेती है, यानी लतीफ़ को सायरा का उसके कमरे में आना और ड्राइंग्स देखना अच्छा नहीं लगा। यहाँ तो लोग छोटी छोटी बातें पर एटीट्यूड दिखा देते हैं। सायरा इफ़ाक़ात के पास इजाज़त मांगती है तो इफ़ाक़ात कहती है कि बिना किसी इमरजेंसी के मिलने की ज़रूरत नहीं, वो लोग हमारे घर आएंगे तब मिल लेना। सायरा को वैसे भी उसका चेहरा देखना नहीं था, पर फिर भी हिम्मत से पूछती है कि ऐसा क्यों। इफ़ाक़ात कहती है, इससे लगेगा कि यहाँ तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए आई एम श्योर एक बार सायरा के पर निकल आएंगे तो सबसे पहले वो इफ़ाक़ात को ही निपटाएगी। काजिम और बाकी सब आ जाते हैं इस्तानबुल। सोना तो बाहर ही देखती रह जाती है। हालिस ने ही इब्राहिम के साथ गाड़ी भेजी है इनके लिए, उन्हें एक मैंशन भी दिया हुआ है रहने को। काजिम पूरे वक्त ऐसे बकबक कर रहा था जैसे उसी की गाड़ी और मैंशन हो, पर यह मैंशन कम रेस्टोरेंट ज़्यादा लग रहा है, चार लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। इनफैक्ट हालिस का अपना घर भी इससे छोटा ही होगा। हतुज को पसंद नहीं आता ऐसा घर। काजिम इतना बकबक करते हैं कि सब तंग आ जाते हैं। अभी उसे हालिस से मिलने जाना है, जबकि उन्होंने बुलाया नहीं अभी तक। इधर सोना सायरा को कॉल करके पहुंचने की खबर देती है, पर यह भी कि काजिम वहां जा रहा है। सायरा को डर लगने लगता है। हालिस और इफ़ाक़ात काजिम का वेट करते हैं, बाकी सब आसुमान के ऑपरेशन के फॉर्मेलिटीज़ के लिए गए हैं। काजिम इनका घर देख के बड़ा इतराता है। बस बस यार, काजिम आता है चिल्लाते हुए, वो ऐसे ही बात करता है चिल्लाते हुए। हालिस का हाथ चूमता है, इफ़ाक़ात से मिलता है, घर पर सब क्यों नहीं है वो लोग बताते हैं। यहाँ आके भीगी बिल्ली बन गया है काजिम, हर बात पे कहता है, ओ हो मैं कुछ कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। अभी बेटी से ऐसे मिल रहा है जैसे जान हो उसकी, पर बेटी को उसकी पिटाई याद आ जाती है और वो डर जाती है। पूरे वक्त ये बात इफ़ाक़ात नोटिस करती है कि कैसे डरी हुई है सायरा। इसी में काजिम फरहाद के सुहागरात वाले दिन बेहोश होने की बात कर देता है, जो बस ओरहान और गुलगुन को ही पता था और उन्होंने बताया नहीं। हालिस को बेइज्जती महसूस होती है क्योंकि उसे बाहर के लोगों से ये सब पता चल रहा है। ऐसा तो होना ही था, छोटी छोटी बातों पे बखेड़ा खड़ा करेगा तो लोग बात छुपाएंगे ही ना। क्या पता ऐसा कहता उस दिन कि फरहाद की हिम्मत कैसे हुई सुहागरात के दिन बेहोश होने की, नाक कटवा दी। फरहाद तो उसकी डांट सुन के ही कोमा में चला जाता। चाय वाय पी के काजिम कहता है, हतुज खाला भी आई है। ये सुन के हालिस के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। काजिम जाना ही नहीं चाहता था, इफ़ाक़ात को उसे भेजना पड़ता है। रात को फरहाद रूम के अंदर सायरा की इजाज़त लेके आता है। सायरा कहती है, क्या तुम्हें उस्ताद तहजीब सिखा रहे हैं? एनीवेज़ फरहाद कहता है, दादाजी कल नाश्ते पे नहीं आएंगे, तुम जितना चाहे सो लेना, सब आसुमान के ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, दादाजी अकेले टेबल पे बैठना नहीं चाहते। अच्छा तो बाकी सबको ज़बरदस्ती बैठना होगा जब भी हालिस टेबल पर होगा, पर खुद जब मर्जी आ सकता है जा सकता है। वाह, लेकिन नोटिस किया फरहाद हद से ज़्यादा अच्छा शौहर नहीं बन गया? सायरा कहती है, मेरे डैड की वजह से परेशान होंगे दादाजी। फरहाद कहते हैं कि अपने फैमिली से तुम खुद मिल लेती तो तुम्हारा डैड इधर नहीं आता। सायरा कहती है, इफ़ाक़ात से इजाज़त लेने गई थी तो उसने मना कर दिया। फरहाद पूछते हैं कि क्या कहा? इफ़ाक़ात से? मुझसे या आबिदीन से क्यों नहीं पूछा? सायरा कहती है, क्या उखाड़ लेते तुम? फरहाद कहते हैं, अब से हमसे ही पूछना, कल रेडी रहना, तुम्हारे घर वालों के पास ले जाऊंगा। सायरा कहती है, मजाक मत करो। फरहाद कहते हैं, सच में? फिर कहते हैं, प्लीज़ यार बेड पे सोने दो, मेरी हड्डियाँ टूट रही है। सायरा कहती है, गुड नाइट, और बेड पे सो जाती है। फरहाद बेड पे थोड़ी सी जगह लेके सोने वाला था, सायरा उसे तकिया मार के भगा देती है। इधर आसुमान बच्चा गोद लेने के लिए इंटरनेट चेक कर रही है। फुआद को पता चलता है कि इफ़ाक़ात ने उसे अपसेट किया तो वो गुस्सा होता है कि ऐसे वक्त पे उसने आसुमान को अपसेट क्यों किया। आसुमान कहती है, उसके खुद के बच्चे नहीं है इसलिए मुझे आगाह कर रही है पहले से। फुआ कहते तो वो खुद अकेले रहना चाहती थी, हमने थोड़ी कहा था अकेले रहो। वो अच्छा, यानी इफ़ाक़ात को घर के दो इंपॉर्टेंट मर्द मिल गए थे इसलिए इफ़ाक़ात ने दूसरी शादी नहीं की, यहाँ की बॉस बन गई। फुआ आसुमान को बहुत प्यार और हौसला देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर इफ़ाक़ात तो बहुत अपसेट है। सुबह फरहाद जल्दी निकल जाता है, आबिदीन सोचता है कि उस्ताद के लिए। फरहाद कहते हैं, उनके लिए कौन करे, मैंने छुट्टी मार ली बीमारी के बहाने से, मुझे कुछ और इम्पोर्टेंट काम है।
फिर आसुमान को सब हॉस्पिटल ले जाते हैं तो हालिस ऊपर से उसे देखता है। लतीफ़ से कहता है कि ठीक तो हो जाएगी वो, पर बिन बच्चे के रहना मुश्किल है। उसने मुझसे बात तक नहीं की, ना ही कदर करती है कि मैं क्या सोचता हूँ। मैं चाहूँ तो उसे भेज सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि वो मेरे फैमिली को आगे नहीं बढ़ा पाएगी, पर ऐसा मुमकिन नहीं। ये किस किस्म की बात है यार? लतीफ़ कहता है कि वो शर्मिंदा है इसलिए ऐसा कर रही है। फरहाद सायरा को कॉल करके जगाता है और नीचे आने कहता है पीछे के गेट से। सायरा कहती है क्यों? फरहाद कहता है अरे बहन बिना पूछे बस आ जाओ। सायरा कहती है बहन क्या बक रहे हो? फरहाद कहता है मेरी प्यारी बीवी अब आ जाओ। सायरा जाती है और फरहाद उसे कार में बिठा कर ले जाने लगता है। कहते हैं तुम्हारे मॉम के पास जा रहे हैं, कहा था ना मुझे कह दिया करो। सायरा हैरान हो जाती है, इनफैक्ट उसके लिए मिठाई भी खरीद के रखा है। यही सब चीज़ें तो अट्रैक्टिव होती है, शक्ल या पैसा नहीं। जब सायरा पूछती है कि उस्ताद का क्या, फरहाद कहता है बीमार होने का बहाना बना दिया। सायरा कहती है तुम मुझे छोड़ के वापस काम पे चले जाना। फरहाद कहते हैं नहीं मुझे उन लोगों से मिलना है, तुम्हारी मॉम मेरी मॉम है, तुम्हारे डैड मेरे डैड, तुम्हारी बहन मेरी बहन। सायरा कहती है मुझे पता है तुम मेरा मजाक उड़ाओगे ना। फरहाद कहता है नहीं, एक ना एक दिन हमें एक दूसरे के फैमिली से जुड़ना ही होगा, तो क्यों ना अभी से शुरू किया जाए। सायरा तो हैरान हो गई और फरहाद कहता है फरहाद कोरहान नाम है मेरा, ये नाम कभी भूलना मत। सायरा हंस देती है, फरहाद नालायक हुआ करता था पर अभी लगता है उसके फैमिली में बस वो और गुलगुन ही असली इंसान है, बाकी सब तो जानवर जैसे है। इधर आसुमान के ऑपरेशन की तैयारी होती है, आसुमान तो सैड है ही, गुलगुन उसे संभालती है और फुआत उसे संभालते संभालते खुद ही रो पड़ता है बाहर जाके, बाप नहीं बन पाएगा इसलिए। अच्छा इन्होंने IVF का नाम नहीं सुना क्या? टेस्ट ट्यूब से बेबी कर लो, वैसे भी इन्हें अपना बेटा चाहिए। आसुमान उसकी अम्मी ना ही सही। इधर इस शानदार घर को देख के सायरा यकीन नहीं कर पाती कि यहाँ उसकी फैमिली रह रही है। अपनी अम्मी से मिलती है, गले लगती है और दोनों माँ बेटी बहुत इमोशनल होते हैं। फरहाद उन्हें देख के खुश होता है, इतना अच्छा कैसे हो गया अचानक। अंदर सब से जाके मिलते हैं ये लोग। सुना को फरहाद के सामने अजीब लगता है, काजिम नहीं है घर पे। सायरा सुना और अम्मी को ले जाती है अंदर, फरहाद को हतुज के साथ रख के, और वो भी मान गया। हतुज के साथ रेस्पेक्ट से बात करता है, कहता है आप तो काफ़ी सेहतमंद हो, हम सबको कब्र देने के बाद ही जाएंगी आप। इधर सायरा इनके साथ बहुत इंजॉय करती है। वापस सब इकट्ठा होते हैं तो एस्मे के पेट में फिर से दर्द होता है। ये लोग हॉस्पिटल जाने की बात करते हैं पर फिर से वो मना कर देती है। फरहाद बहाने से सुना से मिलकर उससे माफ़ी मांगता है अकेले में। सुना जब कहती कि मेरी गलती थी कि मैंने कॉफ़ी गिरा दी, फरहाद कहता है नहीं यार, दरअसल मैंने पहले ही सायरा को मार्केट में देख लिया था, इसलिए मैंने ऐसा किया था। सुना शॉक्ड, पर वो फरहाद के सामने दिखाती है कि उसे पता था, पर सुना को झटका लगा है। उसे लगता है कि सायरा ने जानबूझ के फरहाद को उससे छीनने की कोशिश की, इसलिए ये बात छुपाई। अब वो क्या करेगी वो नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। ओके देन वीडियो ख़त्म।